जमूरे, तेरी बुद्धि कैसे हो गई मंद? क्यों किया कल की सारी बातें इस बोरे में बंद? तो चल मेरे छोरा, खोल दे ज्ञान का बोरा। लेकिन हजूरे आला, इस पर तो लगा है ताला। अरे क्या चीज है तेरे लिए छोटा सा ये ताला? जोर लगा के तोड़ दे मेरे लाला। इसे मैं खोलता हूँ। खगा की चाबी से खुल जाए ज्ञान का ताला, शिक्षा सबको मिले छटे अज्ञान का बादल काला, बच्चे बूढ़े पढ़े पढ़े बालक और बाला, शिक्षा बन जाए जनता का बरछी भाला। नहीं बपौती नहीं विरासत, शिक्षा पैसे वालों की, सबको शिक्षा मिले हटे जहालत सदियों सालों की। गिली 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 फू। ये देख रहे हो ना, इसे भरो पूरा। इससे तुम्हें लिखना भी आ जाएगा साथ साथ में, और जो ना समझ में आया कुछ तो बुला लेना मुझे, अंदर ही हूं मैं। दिखा। तो आ और फ तो लिखना सीख लिए तुमने, अब ध्यान से सुनो, आज एक नई चीज पढ़ेंगे। ये क्या लिखा मैंने? आगे डंडा भी तो लगाओ ना, तभी तो पूरा होवेगा। और डंडा ना लगाऊं तो? री, ये रह तो ना है। अरे अम्मा, राह कैसे है गया जे? राह के सामने ऐसी लकीर कहाँ हुए है? अरे ठीक है रे कौशल्या, सामने डंडा लगा दे रे तो सा बच जाएगा। मान ली तेरी बात, ले जे लगा दिया डंडा और जे बन गया सा। और जब मैंने कही तब क्यों ना लगाया? अरे अब तो लगा दिया ना, पर जे मैं जे पूछ रही हूँ कि जो मैं जे डंडा हटा दूं ऐसे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? कुछ भी ना बनेगा। कुछ ना बनेगा ना। अच्छा जे बताओ, कभी किसी ने उषा बहन जी से पेट दर्द की गोली ली है? मैं अभी लेके आई मूर्ति के लिए। तेरे पे है? हाँ। लदे? अरे ला दिखा। क्या कही उषा बहन जी ने? जे कहा ज्यादा दर्द हो तो पूरी गोली दीजो, कम दर्द हो तो आधी। तो कम दर्द में आधी गोली लेने की बात कही ना? हाँ। मतलब जे कि आधी गोली भी काम करे, ज्यादा दर्द में पूरी गोली लेने की कही और कम दर्द में आधी। हाँ। और जो आधी गोली देख करके मूर्ति कहे कि एरी अम्मा जे तो पूरी है ना, इससे तो कुछ ना होने का, तो फिर? अरे कैसे ना होने का, गोली तो गोली है, आधी होए या पूरी होए। हाँ इसी तरह कुछ अक्षर आधे इस्तेमाल हो में, आधे इस्तेमाल हुए। हाँ और कुछ के आगे से डंडा हटा दो तो वो आधे बन जावे। पर सुशीला, आधे अक्षर से भी कुछ लिखा जा सके? क्यों नहीं, कितने लफज ऐसे हुए जिनमें आधी आवाज आवे है, वहाँ पे आधा अक्षर लिखा जावे। आधी आवाज माने? आधी आवाज माने आधी आवाज, जैसे किस्मत, इसमें सा की आवाज आधी आवे है ना। कौशल्या जा लिख तो सही किस्मत, अभी समझ जाओगी तुम। का छोटी ई की मात्रा की स किस मा त मत
किस्मत। क्यों रे गीता, ठीक लिखा है? किस्मत, हाँ ठीक लिखा है। कौशल्या आके बैठ। जे किस्मत है या किस्मत? हाँ हाँ क्या किस्मत? ध्यान से सुन मैं क्या पूछ रही हूँ, किस्मत या किस्मत? अरे किस्मत है, किस्मत क्या हो वे? मोको तो जे किस्मत लगे। पता नहीं तुझे कैसे किस्मत लगे है, अरे साफ किस्मत लिखा है। अच्छा ठहर, जे बता ये क्या लिखा है? कसम। क्यों कसम कैसे बन गया? तेरे हिसाब से तो कसम होना चाहिए जे। जो जे किस्मत है तो जे कसम होना चाहिए ना। अरे तो कैसे लिखेंगे किस्मत? तो जे पूछना, बताती हूँ ध्यान से सुनो। किसी किसी लफज में किसी अक्षर की आधी आवाज आवे है, और जो आधी आवाज आवे तो उसके लिए आधा अक्षर लिखे हैं। जैसे बिस्तर, बिस्तर में सा की आवाज आधी आवे है, जो पूरा लगाओगे तो बन जावेगा बिस्तर। इसी तरह बस्ता, बस्ता में सा आधा है, जो पूरा लगाओगे तो बनेगा बसता। तो इस तरह किसी किसी अक्षर के आगे से डंडा हटा दो तो वो आधा बन जावे है। जैसे सा, जो सा में का डंडा हटा दो तो बन जावे है आधा सा। क्या बन जावे है? आधा सा। हाँ तो किस्मत में सा की आवाज आधी आवे है ना, बोल के देखो। किस्मत, 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 किस्मत। सा की आवाज आधी आवे है ना? हाँ किस्मत, किस्मत, बस्ता, बसता, सस्ता, ससता। शाबाश जे समझ गई। अब देखो जे किस्मत लिखा कैसे जाए। जो ऐसे लिखेंगे हाँ तो बनेगा किस्मत, और जो जी डंडा हटा दे तो बनेगा किस्मत। अब लिखो अपने अपने पास। क क पे छोटी की मात्रा, आधा सा, मा, त, किस्मत। ठीक कौशल्या, अब तू ऐसे ही कुछ और लफज लिखा, मैं देखा वो कहां तक पहुंचे। मूर्ति तू लिख बस्ता। मौसी तू बिस्तर लिख। शाबाश। अरे देख तो मेरी दादी हमेशा शाबाशी दे रही है। ताई
तुलेख कनस्तर ना आधा सा ता रा। बिल्कुल ठीक। अरे तू लिखाया तो जा रही है, अब खुद तो कुछ भी ना लिख रही है, अब तू भी लिख लिख रस्सी ले। इसने तो कितने सारे शब्द लिख लिए, रस्सी लस्सी किस्सा हिस्सा। गीता मासी तैने भी कुछ लिखा? ना मैंने कुछ ना लिखा। दिखा दो। क्या छीना झट्टी कर रही है मुझे, देखो इनने क्या लिखा। अरे कुछ ना लिखा मैंने, जे जो मखौल कर रही है। कौशल्या क्या लिखा? खस्सी। अरे और कोई लफज ना मिला तो को? इसमें होनी क्या बात है, उसने अपनी तरह से सोच के कुछ लिखा तो मतलब ये कि बात उसकी खोपड़िया में बैठ गई। अरे है क्या रहा? अच्छा ऐसे और लफज लिखो जिनमें आधे अक्षर आवे। आ की मात्रा अब्बा। अब आधे माँ से कुछ लफज लिखो। आधमा मां आकरड्डा अम्मा। जी देख सुशीला, सोना दही ने करा सबसे अकलमंदी का काम। बाकी सबने तो ऐसे लफज लिखे जिनमें वो ही अक्षर पहले आधा आवे फिर पूरा। इनने आधे अक्षर से लिख डाला, कंबल आधा माँ। और कोई लिख सके ऐसा लफज? शाबाश गीता, देखो री ये क्या लिखा है। अस्पताल। आप चलूंगी, कुछ भी ना हो मैं तो दूर चलेगी तू। रोज रोज फेरी भी तो जैसे तुम जाओ ना। पैर सूज गए हैं फिर भी जिद ना छोड़ेगी, अपने मर्द का सहारा लेते भी ना कटे तेरी। ना चाहिए वो को किसी का सहारा। अरे तौबा, कैसी लड़ाका से निकाह कर लिया। हाँ तुम्हें तो जैसे और भतेरी मिल रही ना, वो तो मैं ही थी जो तुम्हारे जैसा भोंदू पसंद कर लिया, नहीं तो उम्र भर कुंवारे डोलते। सच्ची मैं तुझे पसंद आ गया? कितना पसंद आया बताना। अरे बताना कितना पसंद आया बताना। अरे बताना कितना पसंद आया। छोड़ो बताना, कोई देख लेगा। अरे कोई ना देख रहा, मैं ही हूँ। शर्म भी नाती। अरे कमला बाजी आप। अरे हाँ, अस्पताल में सफाई पुताई का काम चल रहा है ना, तो गाँव की 6 औरतें लगी, उन्होंने कही कि दिहाड़ी के टाइम पे पहुँच जाई हो, इसी करके बैठी। जो ठेकेदार फिर बदमाशी कर रहा। अरे नारी नया आया है कोई, वो पिछले वाला तो देने लगा दिहाड़ी टाइम पे, पर ये नया आया ना आज देखे क्या करे। और तुम दोनों कैसे यहाँ पे? अरे बाजी
ये उसे भांजी ने तो बात का बतंगड़ बना रखा है सच्ची। कह रहे हैं कि तीसरा महीना लग गया है, अब यहाँ अस्पताल में जांच कराने हर महीने आना पड़ेगा और नवे महीना में हर हफ्ता। मैं तो बाज आई सच्ची, इसे तो इसकी सुन के सुखिया कोई बुला लेती, इस झंझटबाजी से तो बचती। फिर वही बात, बाजी देख रही हो, पहले तो आप अड़गी ही कि उसे बहन जी से ही दिखाएंगे, अब जैसा वो कह रही है उसके मुताबिक चले। हाँ नहीं तो चल तो रही हूँ, वो कैसे चलूं? तू हर बात पे चिड़चिड़ावे क्यों है? चिड़चिड़ाऊं या सर पीटूं, मेरी मर्जी। देख लो, देख लो बाजी, फिर झगड़ा करने लग गए। अरे तुम दोनों अभी से इतना झगड़ा करो, आगे चल के क्या करोगे? बाजी इसके इसी झगड़ालूपने की वजह से तो निकाह किया है मैंने इससे। अरे झगड़ालू मैं हूं या तुम? अच्छा अच्छा चलो जाओ दोनों। नहीं, ब्लड प्रेशर तो तुम्हारा बिल्कुल ठीक है। चलो उठो, तुम्हारा वजन ले लेते हैं। तुम अब अंदर आ सकते हो, बाकी सब कुछ ठीक है। पैरों में कुछ सूजन थोड़ी सी ज्यादा है, घबराने की कोई बात नहीं है, खून की कमी के कारण कभी कभी ऐसा हो जाता है। तुम्हें कमी कुछ ज्यादा है इसलिए कुछ ताकत की गोलियां लिख कर दे रही हूँ। डॉक्टर साहब इसमें बहुत बड़ी कमी है, अब किसी की बात न माने हैं जे, ऐसी हालत में भी फेरी पे जावे है। कोई हर्ज नहीं, बल्कि चलना फिरना तो अच्छा है। देखो थोड़ा सुस्ता लिया करो, बस पैर लटका के मत बैठा करो। तुम्हारा वजन 48 किलो है, यहाँ लिख रही हूँ। अब से हर महीने तुम्हारा वजन लिया करूंगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वजन हर महीने बढ़ते रहना चाहिए, कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहां खून और पेशाब की जांच के लिए लिख दिया है, बराबर वाले कमरे में कंपाउंडर साहब करेंगे, पेशाब की शीशी उन्हीं को दे देना। डॉक्टर साहब कोई खास परहेज या खुराक? नहीं, जो रोज खाती है वही खाए, पर ज्यादा खाए। आखिर दो लोगों के लिए खाना है तुम्हें। दो लोगों के लिए? हाँ, एक अपने लिए और एक अपने पेट के बच्चे के लिए। देखो दोनों